आज किसी परिवार में अगर सबसे मुश्किल कार्य है तो वो है बच्चों को स्कूली शिक्षा दिलाना, जो दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। वहीं इसी मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। इस आदेश के अनुसार कोई भी निजी स्कूल अपनी मर्जी से स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकते। वहीं कोर्ट के आदेश के अनुसार किसी स्कूल को अपनी फीस बढ़ानी है तो इसके लिए पहले अर्जी लगानी होगी। साथ ही अगर कोई स्कूल बिना परमिशन के फीस बढ़ाता है तो उसको 2,50,000 का जुर्माना देना होगा। वहीं अभिभावकों ने कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। माननीय उच्च न्यायालय झारखंड द्वारा जो अभी आदेश पारित किया गया है, कि बहुत बड़ी राहत है। मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक जजमेंट है, इसको कहा जाएगा। अभी पूरी तरह से धरातल पर नहीं आ पाया, जुलाई महीने में आएगा। इससे पहले झारखंड सरकार द्वारा जो फी रेगुलेटिंग एक्ट बना था, अभिभावकों में खुशी थी, लेकिन जब धरातल पर एक्ट आया तो उतनी खुशी नहीं हो पाई थी, क्योंकि उसमें जिस तरह से प्रावधान बनाए गए थे, अभिभावकों के ऊपर ही सभी तरह से दबाव दिए गए थे। स्कूल के ऊपर किसी तरह की दबाव देने की बात नहीं थी, जिसका नतीजा है कि इस सत्र में स्कूल ने अपने मनमानी तरीके से फीस बढ़ाया। और इसके विरोध में जब सरकार द्वारा कार्रवाई की गई तो स्कूल पर जो है कमेटी जो है चले गई उच्च झारखंड में, और उसका नतीजा है कि जो अभिभावकों के पक्ष में जो है निर्णय आया। और इसमें साफ साफ ये कह दिया गया है कि स्कूल अपने मन मुताबिक फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। 10% जो फीस बढ़ाने का दायरा है, उससे अगर ज़्यादा बढ़ाते हैं, अगर बढ़ाने की उनकी स्थिति आती है तो स्कूल कमेटी से तो परमिशन तो लेना ही होगा। इसके अलावा जिला कमेटी से भी उनको परमिशन लेना होगा। जी, आज जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा और हाईकोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया है, वो हम अभिभावकों के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि इतने मतलब हम लोग का लगता है 30-40 हज़ार से 45 हज़ार इस बार सालाना मतलब एक बच्चे का फीस हम लोग का फी चार्ट में आ गया है। तो वो उतना देने के लिए हम लोगों को बहुत पहले से तैयारी करनी पड़ती है। तो इसलिए अगर ये जो आया है कि फ़ी निर्धारण करने का अधिकार स्कूलों को बहुत कम दिया गया है, और अगर इससे गलत करते हैं तो जिला स्तर पे जो कमेटी है वो उसके ऊपर शिकायत किया जा सकता है और कम हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है, हम पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर हम इस बात को उठाते हैं तो इसका कहीं ना कहीं जो परेशानी है हमारे बच्चों को भुगतना पड़ता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बात कहना चाहती हूँ कि अभिभावक अगर अपनी बातों को बार बार उठा करके परेशानी जो मोल लेते हैं, इसके बजाय हम ये चाहेंगे कि जिस भी जिला में जो अभिभावकों के लिए संगठन काम करता है उन्हें इतना सशक्त किया जाए कि वो हम अपनी बातों को वो उठाएं और उसके ऊपर जो कार्रवाई करने हैं वो जिला स्तर पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हो। कोर्ट के इस फैसले के बाद अभिभावकों को काफी हद तक राहत मिलेगी। वहीं निजी स्कूल मालिकों पर इसका असर पड़ेगा, और साथ ही जो बच्चे आर्थिक मजबूरियों के कारण अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पाते थे उनको भी मौका मिलेगा। जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।